मुझे तो नहीं लगता कि कमी आई और कमी आएगी, क्योंकि ये पिछले 3 सालों में बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं, बहुत सारी लड़कियां गायब भी हो चुकी हैं और बहुत सारी लड़कियां मरी हुई भी मिल रही हैं। आप क्या कहेंगी इस पर? बिल्कुल सही है, ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को देखो ना करने की आदत नहीं होती, ठीक है। वो अगर कोई लड़का लड़की से बात कर रहा है, उसे फोर्स करता है बात करने के लिए, तो लड़कियाँ उसकी बातों में आ जाती हैं। आई थिंक मतलब जिसके साथ भी ऐसा कुछ बुरा हो रहा है, उनको आप सिर्फ पैसे दे के तो उनका दुख नहीं ले सकते। दूसरी बात, 10 साल की सिर्फ सजा इज नॉट एनफ फॉर समथिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने एक कानून बनाया है कि जो लव जिहाद के ऊपर, कि जो लव जिहाद में पकड़ा जाएगा या उसके ऊपर कोई भी गलत केस प्रूफ होती है, किसी लड़की को बाला फुसला करके ले जाना और उसको फिर उसके साथ गलत करना, तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास, 10 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना, ऐसे कई तरह की सजा और जुर्माना के प्रावधान आए। दोस्तों, इस पर देश में बहुत हुआ ला मच रहा, खास करके यूपी के अंदर, क्योंकि आदित्यनाथ बाबा जो हैं बहुत सख्त माने जाते हैं अपने शासन के कार्यकाल में। तो दोस्तों, आज मैं पब्लिक से बात करके दिखाता हूँ कि इस पर पब्लिक की क्या राय है, क्या जो कुछ कानून बना है क्या उस पर पब्लिक सहमत है या पब्लिक उस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। मैडम, आपका गुड नेम? नीत। मैडम, ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ यूपी में कानून लाए कि जो लव जिहाद में पकड़ा जाएगा वो 10 साल की सजा, आजीवन कारावास, 10 लाख जुर्माना, 5 लाख जुर्माना, इस तरह के प्रावधान हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस कानून के आ जाने से जो बच्चियों के ऊपर एक अटैक हो रहे हैं या उनको मार दिया जाता उनको लव में फंसा के, क्या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कमी आई? मुझे तो नहीं लगता कि कमी आई और कमी आएगी, क्योंकि ये पिछले 3 सालों में बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं, बहुत सारी लड़कियां गायब भी हो चुकी हैं और बहुत सारी लड़कियां मरी हुई भी मिल रही हैं। जैसे दिल्ली में भी लास्ट का भी केस हुआ था, उस लड़की के टुकड़े मिले। तो आई थिंक इसका एक ही सोल्यूशन है कि जो भी ये कर रहा है तो उसको उम्र कैद नहीं, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैडम, ये बताएं कि फांसी की सजा भी अगर हुई थी जो पीछे 8-10 साल पहले घटना थी, 5 लोगों की फांसी, लेकिन फिर भी ये केस तो बढ़ती ही चली जा रही है, इसमें कुछ रोकथाम तो हो नहीं पा रहा। तो एक इंसान को फांसी की सजा होने से थोड़ी होगा, ऐसे एक नहीं, ऐसे 100 होंगे, 100 के 100 को फांसी की सजा होगी, तभी कुछ ना कुछ उनमें सहम आएगा ना। एक इंसान को तो आज हुई, कल उसको भूल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को बहुत सीरियसली इस मैटर को देखना चाहिए और कोई भी ऐसा बंदा है उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा मैडम, ये और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ फ्रिक्वेंटली होती गई कि एक बंदे को सजा दी है, दूसरे को भी दी है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग सहमेंगे और चीज़ की दर कम होगी। अच्छा मैडम, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी ये कानून लाए हैं, लेकिन इस पर हुआ ला भी खूब मच रहे हैं कि नहीं जी, किसी एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, गलत है, लेकिन वो लोग ये तो नहीं देखते हैं कि अभी 2 दिन पहले बॉम्बे में हुआ है, दाऊद नाम का बंदा 18 साल की बच्ची के साथ ऐसा किया, ले गया और उसको मार के जंगल में फेंक दिया, बड़ी बुरी तरह से मारा गया, उसका सिर वगैरह फाड़ दिया था। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे बंदों को क्या सजा होना चाहिए? मैंने तो आपको बोला ही है कि मुझे तो इसकी एक ही सज़ा दिख रही है कि इसकी एक ही सज़ा फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कम हो सकता है। अच्छा, जो लड़कियां अब भी इतना कुछ होने के बाद ऐसे गलत लोगों के जाल में फंसी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हर एक पॉइंट पर लड़की को ट्रैप करने के लिए लोग खड़े हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं लड़कियां इस मामले में, खुद एक लड़की हूँ, लड़कियां इस मामले में कहीं ना कहीं दिमाग से बहुत सीधी होती हैं कि वो विश्वास कर लेती बहुत। आपका गुड नेम? आराधना। आराधना जी पढ़ती हैं? हाँ जी, अभी आपके पास आ रहा हूँ। मैडम, ये बताएं कि यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ कानून लाए हैं लव जिहाद के खिलाफ, अगर जो पकड़ा जाएगा उसको 10 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना, आजीवन कारावास, 5 लाख की सजा, 5 लाख का जुर्माना, जैसे सख्त सजाएं आई हैं, इस पर क्या राय है आपकी? आई थिंक मतलब जिसके साथ भी ऐसा कुछ बुरा हो रहा है, उनको आप सिर्फ पैसे दे के तो उनका दुख नहीं ले सकते। दूसरी बात, 10 साल की सिर्फ सजा इज नॉट एनफ फॉर समथिंग लाइक दिस। डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा बड़ी सजा होनी चाहिए कि एटलीस्ट पीपल शुड बी स्केयर्ड ऑफ इट, ताकि वो ऐसा अपने दिमाग में सोचे भी ना कभी करने को। और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे जिन जो लड़कियाँ होती है जिनकी फैमिली के साथ ऐसा होता है, उनको सिर्फ जुर्माने से पैसे
अच्छा, आपको देखने नहीं आता कि इसमें ज़्यादा हिंदू लड़कियां ही बच्चियां ही टारगेट में आती हैं, इस पर आपका क्या कहना कि ये कौन के साथ इसका मतलब कुछ इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं नज़र आ रही आपको? आई थिंक दैट इज बिकॉज हिंदू हमारे इंडिया में कॉमन रिलीजन है, सो मोस्टली ज़्यादा परसेंटेज में इट्स नॉट लाइक कि रिलीजन वाइज कोई किसी को अटैक कर रहा है, बट आई थिंक द रीज़न हिंदू ज़्यादा अटैक हो रहे हैं जनरली मेजॉरिटी में प्रेजेंट है। अच्छा ये बताएं, आपका गुड नेम? तन्वी। तन्वी क्या करती, पढ़ती हैं आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 11th। 11th। मैडम ये बताइए कि यूपी में योगी आदित्यनाथ न्यू कानून लाए हैं कि जो लव जिहाद में पकड़ा जाएगा उसको आजीवन कारावास, 10 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना, 5 लाख का जुर्माना, मतलब इस तरह का प्रावधान है जो लड़कियों के साथ इस तरह का हरकत करेगा बच्चियों के साथ। हाँ। इस पर आपकी क्या राय, क्या ये कानून सही है या गलत, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही है, ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि लड़कियों को देखो ना करने की आदत नहीं होती, ठीक है, वो अगर कोई लड़का लड़की से बात कर रहा है उसे फोर्स करता बात करने के लिए तो लड़कियाँ उसकी बातों में आ जाती हैं, ठीक है, तो ये कानून उन्होंने सही बनाया है। एक तो लड़कियों को ना करनी भी आनी चाहिए और ऊपर से जो इन्होंने कानून बनाया कि हाँ सज़ा वगैरह है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि पूरे देश में ये चीज़ चल रहा, हाँ। इस एक घटनाएं बहुत सारी घट रही हैं, हाँ। लेकिन अभी जब ये कानून आया है तो कुछ लेडीज़ों ने, मुस्लिम लेडीज़ें खास करके, हाँ। हुल्ला मचा रही हैं या लोग हुल्ला एजेंसी मचा रहे हैं कि गलत है गलत है। वो गलत इसलिए हैं क्योंकि जे उनके हस्बैंड, जो लेडीज़ हैं जो उनके हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं तो वो कर रही हैं क्योंकि हमारे हस्बैंड का नाम आ रहा है, तो वो नहीं उनकी जो। आपका गुड नेम? हरप्रीत। ये बताएं क्या जॉब करती हैं, कोई हाउस वाइफ वगैरह हैं? कोचिंग करती हैं। मैडम ये बताएं, आप पढ़ी लिखी बेटी हैं, कि यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ कानून लाए हैं कि जो बच्चियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं अगर उस केस में जो पकड़ा जाएगा उसका आजीवन कारावास, 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना, 10 लाख जुर्माना, इस तरह के प्रावधान है, क्या आपको लग रहा है कि इस नियम के आने से क्या बच्चियों के साथ इस तरह का जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसमें कमी आएगी? मेथड चेंज कर लेंगे, इससे अच्छा है हम अपनी बेटियों को समझाएं और ऐसे जो लोग हमारे इंडिया में हैं उनको पकड़ें, उनको उनके ऊपर रोकथाम लगाएं और अपनी बेटियों को समझाएं कि उनको मॉरल वैल्यूज़ दें कि ये धर्म चेंज या कुछ भी इससे कुछ नहीं होगा, जो भी अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंटली हम कमा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें जो है कि क्यों किसी अननोन के साथ क्यों हमें जाना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं से आपको लग रहा है कि इसमें बच्चियों की कमी है या गलती है जो ऐसे गलत लोगों के जाल में फंस जाते हैं? हाँ, वो पेरेंट्स के साथ फ्रेंड्स नहीं है, अगर हम एक फ्रेंड्स वाला माहौल घर पे बनाएंगे, मदर्स अपने बच्चियों के साथ एक फ्रेंड्स जैसा माहौल होगा तो बच्चियाँ अपने मम्मा के साथ हर चीज़ शेयर करेंगी, अगर शेयर करेंगी तो ऑब्वियस है मम्मा उनको जो है गलत गाइड करेंगे, जगह से रोकेंगे और सही जगह। अच्छा ये आपका क्या राय बेटी? मेरी राय ये है कि जो अगर कानून बना है तो उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये ना हो कि पुलिस अपनी जो सख्ताई है वो कम कर दे, पुलिस को ये होना चाहिए, पुलिस को इस बारे में जागरूक होना चाहिए और सीधा फांसी की सजा दे। अच्छा आपको लग रहा है कि जैसे बच्चियों को इतना कुछ दिखाया जा रहा है लेकिन फिर भी बच्चियां जाल में तो फंस रही हैं उनके ना, तो क्या आप क्या बच्चियों को ऐसी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? आप खुद एक लड़की हैं। मैं ऐसी लड़कियों को संदेश दूंगी कि ऐसे प्यार भी उनके जाल में ना फंस जाए और अपनी स्टडी की तरफ और ध्यान दें, अगर शेडी नहीं है तो अपने घर वालों की तरफ देखें कि अगर वो उसको भगा के लेके जा रहा है तो वो कर क्या रहा है, या तो उसको बेच देगा या उसको मार के काट देगा। मैडम आपका गुड नेम? गुरविंदर। गुरविंदर जी क्या आप हाउस वाइफ हैं, कोई जॉब वगैरह करती हैं? मैं टीचर। गवर्नमेंट टीचर? प्राइवेट टीचर। मैडम ये बताएं, आप पढ़ी लिखी हमारे देश की बेटी हैं, जो यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने न्यू कानून लाए आज ही की बात है, उस पर हुल्ला मच गया कि जो लव जिहाद में पकड़ा जाएगा उसको 10 साल की सजा, आजीवन कारावास तक का भी प्रावधान है, 10 लाख जुर्माना भी है, क्या राय है कि ऐसे कानून से क्या आपको लग रहा है कि जो इस तरह की समाज में गंदगी है बच्चियों के साथ हो रहा, क्या आपको लग रहा है कि इस पर नकेल कसा जा सकता है? बिल्कुल होना चाहिए सर, ये तो बहुत लेट स्टार्ट की है, बहुत देर पहले इसकी नीड थी हमें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि जो देखो एक दो बच्चे हैं हमारे, है ना, मान लो मेरी एक बेटी है अगर उसके साथ भी ऐसा हो जाएगा तो मेरा उसका फ्यूचर खत्म, मेरी पूरी फैमिली का फ्यूचर खत्म, मेरे पूरे परिवार जो साथ
रिश्तेदार है, सबका फ्यूचर बदल है। ये चीज़ बहुत जरूरी है, इस चीज़ को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। सर आपका शुभ नाम? राज चावला। थोड़ा तेज बोलिए। राजवीर चावला। चावला साहब, ये बताएं, यूपी के अंदर न्यू कानून आया है लव जिहाद के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस बढ़ रही है लड़कियों को फंसा, खास करके हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है, उनको फंसा के ले जाके उनके साथ उनको मार दिया जाता, बहुत सारे अत्याचार होते हैं उनके ऊपर। इसके ऊपर आपकी क्या राय, जो न्यू कानून आया कि 10 साल की सज़ा, आजीवन कारावास, 10 लाख का जुर्माना, बहुत सारे प्रावधान है, इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा कानून है, योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं यूपी के लिए, और ये कानून अच्छा है। मैं तो कहता हूँ इसको और टफ करना चाहिए कानून, क्योंकि इनका मोटिव है मुसलमानों का, क्यों इनको इस चीज़ की शिक्षा दिया जाता है, इनके मदरसों में भी दिया जाता है कि हाँ भाई लड़कियों को कैसे मतलब अपने फंसाना है। इनके पीछे वकीलों की भी लंबी लिस्ट खड़ी हुई है कि हाँ भाई अगर आप फंस भी किए तो हम बचा लेंगे आपको, तो इनको तो आज़ादी है इस चीज़ की, इनको परफेक्ट करा जाता है, इनके काम के लिए इनको शिक्षित करा जाता है कि आप ये करो, हम खड़े हैं पीछे, तो अच्छा। सर आपका गुड नेम? विकास। विकास साहब क्या करते हैं, कोई जॉब करते हैं या कुछ और ही किसी फील्ड में है? गारमेंट बिजनेस, बिजनेस है, बिजनेस है। साहब ये बताएं कि यूपी के अंदर आज एक न्यू कानून आया है कि जो लव जिहाद में जो लोग पकड़े जाएंगे उनको 10 साल की सज़ा, आजीवन कारावास, 10 लाख का जुर्माना, 5 लाख, कुछ ऐसे प्रावधान हैं, इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या इस पर क्या, आपको कहां तक सही या कहां तक गलत लग रहा, थोड़ा अपनी राय बताएं आप। देखिए अगर ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट ना होकर के अगर सच में इम्प्लीमेंट होगा तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ काम करेगा, जैसे विजय आदा कावड़ियों का बोर्ड पे नाम लिखवाना है, जो लोग टूट के खाना खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे फिर वो केस हार गए और वो नेम प्लेट उतर गई है ना। उसी तरह से सरकारें बहुत सारे स्टंट कर रही हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक जिहाद पे कोई सही से स्टेप उठाया नहीं, कोई ऐसा स्टेट अभी तक भारत में बचा नहीं है जहाँ पर ये जिहादियों ने उत्पात ना मचाया। कोई भी स्टेट ले लो, आप कश्मीर ले लो, बंगाल ले लो। तो दोस्तों देखिए, मैंने बातचीत किया लोगों से, खास करके लेडीज़ों से मैंने बात किया, सब ने अपना अपना ओपिनियन रखा इस पर, बहुत ज़्यादा सख्त से सख्त लोग नाराज़ हैं, क्योंकि बच्चियों के साथ जो भी लव जिहाद जैसे दुष्कर्म किए जाते हैं, अपराध है समाज के अंदर, कि बच्चियों को बाला फुसला के ले जाके उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, उनके सिर पर इतने वार होते हैं कि उनकी डेड बॉडी पहचान में नहीं आता। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए जो कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया है उस पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जो मैंने आपको दिखाया है। तो दोस्तों अब आज का एपिसोड मैं ही बंद कर रहा हूँ। अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आए तो न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।